मेष, गणेश जी की कृपा से आपको आज सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। रोमांस की पराकाष्ठा का अनुभव होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा मेल जोल रहेगा। ऋषभ, गणेश जी आज वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की सलाह देते हैं। गलतफहमी पैदा होगी, तबीयत का ध्यान रखें, दुर्घटना से बचें। मिथुन, गणेश जी बताते हैं कि आज के दिन सर्वत्र लाभ ही लाभ है। व्यापार एवं नौकरी में आय बढ़ेगी, प्रियजनों का मिलन आनंददायक होगा, उत्तम भोजन और उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। कर, आज शारीरिक मानसिक स्वस्थता का अभाव रहेगा, परिवार में सदस्यों के साथ उग्र विवाद होगा, पैसे खर्च होंगे, समय से भोजन नहीं मिलेगा, अनिद्रा का शिकार बनना पड़ेगा, ऐसा गणेश जी बताते हैं। सिंह, गणेश जी के आशीर्वाद से आज तन मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे, निर्धारित कार्य पूरे होंगे, भाग्य वृद्धि के लिए अवसर सामने आएगा, प्रेम पूर्ण संबंध की गहनता का परिचय होगा, आर्थिक लाभ होगा। कन्या, दुविधापूर्ण मानसिक वृद्धि होगी, नकारात्मक विचार मन की अस्वस्थता बढ़ाएंगे, अनावश्यक खर्च होगा, बौद्धिक चर्चा के दौरान विवाद से बचने की गणेश जी की सलाह है, प्रवास की संभावना है। तुला, गणेश जी कहते हैं कि वर्तमान समय में आप खूब अच्छी तरह आर्थिक आयोजन पूरा कर सकेंगे, दृढ़ विचार और आत्मविश्वास से कार्य पूरे कर सकेंगे, दाम्पत्य जीवन में निकटता का अनुभव होगा। वृश्चिक, गणेश जी कहते हैं कि आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेही जन या मित्रों की तरफ से शुभ समाचार मिलने की संभावना है, कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर कार्य करना उचित रहेगा, प्रेम का सुखद अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आय के साधनों में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि और लाभ होगा, वैवाहिक योग है, मांगलिक कार्य होंगे। मकर, व्यवसाय के क्षेत्र में धन मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में भी आपका परिश्रम रंग लाएगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और सरकार तथा मित्रों संबंधियों से लाभ होगा, गणेश जी का आशीर्वाद पूर्णतः आपके साथ है। कुंभ, गणेश जी बताते हैं कि आज आप अस्वस्थ महसूस करेंगे परंतु मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, काम करने में उत्साह का अभाव रहेगा, यात्रा का योग है, संतानों की चिंता रहेगी। मीन, आकस्मिक धन लाभ का योग है, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की गणेश जी सलाह देते हैं, खर्च अधिक रहेगा, आध्यात्मिक विचार और व्यवहार आपको कुमार्ग पर जाने से रोकेंगे।